दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत की मांग की है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए। जज ने एक बार फिर केजरीवाल के वकील से कहा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लिहाजा इसमें तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या फिर नहीं, इस पर बहस का अभी औचित्य नहीं बनता है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि हमें सीबीआई की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दीजिए, हम शाम तक जवाब दाखिल कर देंगे। सीबीआई के वकील ने कहा कि अभी कोई अर्जी पेंडिंग ही नहीं है, जांच कैसे हो ये तय करना एजेंसी का काम है। रिमांड अर्जी की एडवांस कॉपी देने की भी जरूरत ऐसे में नहीं है। सीबीआई ने साफ किया कि हम केजरीवाल को गिरफ्तार रहे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ कस्टडी की मांग कोर्ट के सामने रखी गई है। आज राउज बनी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया है और ऐसे में सीबीआई की तरफ से कस्टडी की मांग भी रख दी गई है और साफ कर दिया है सीबीआई ने कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। बड़ी जानकारी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत की मांग की है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा है कि हमें जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाए, ये केजरीवाल के वकील द्वारा कहा गया है। हालांकि जज ने एक बार फिर केजरीवाल के वकील से कहा कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, लिहाजा इसमें तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं, इस पर बहस का भी कोई औचित्य नहीं बनता है। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के अंदर कहा है कि हमें सीबीआई की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दीजिए, हम शाम तक जवाब दाखिल कर देंगे। हालांकि सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा कि अभी कोई अर्जी पेंडिंग ही नहीं है, जांच कैसे हो ये तय करना एजेंसी का काम है। रिमांड अर्जी की एडवांस कॉपी देने की भी जरूरत ऐसे में नहीं है। सीबीआई ने साफ किया कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, मुश्किलात कम होती हुई नजर नहीं आ रही अरविंद केजरीवाल की। और एक तरफ जहां ईडी से पीछा छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, तो वहीं अब शुरू से शुरुआत सीबीआई के साथ भी करनी होगी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अब सीबीआई ने मामले में एक बार फिर से दखल दिया है। कल पूछताछ के लिए पहुंची थी सीबीआई की टीम, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए गए, इसके बाद सीबीआई को अनुमति मिल गई थी कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश करें। और इस अनुमति के बाद में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है सीबीआई की तरफ से। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद रही हैं। कोर्ट के अंदर सीबीआई के वकील ने कहा कि कोई भी अर्जी अभी पेंडिंग नहीं है, ऐसे में जांच किस प्रकार से करनी है ये एजेंसी तय करेगी। सीबीआई की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। सीबीआई की तरफ से कोर्ट के सामने रिमांड मांगी गई है, कस्टडी मांगी गई है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, गिरफ्तारी सीबीआई की तरफ से अब, यानी कि शुरू से शुरुआत अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब करनी पड़ेगी अगर जमानत चाहिए तो, मुश्किलात बढ़ती हुई। लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और इस पूरे मामले में अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीआई केजरीवाल को हिरासत में लेने जा रही है, यानी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट रूम में शुरू कर दिए गए। कोर्ट रूम में जितने लोग थे उन्हें बाहर कर दिया गया है और उनको कस्टडी में लेकर अब सीबीआई पूछताछ कर रही है और गिरफ्तारी के जो तमाम आधार हैं उसका जवाब कोर्ट देगी। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये कहा गया था कि अभी किसी तरह की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, हमें पहले ये बताया जाए कि सीबीआई ने जो पूछताछ की है, जो अर्जी लगाई थी, कोर्ट का क्या आदेश था, उसकी कॉपी मुहैया कराया जाए, वहीं से इस पूरे मामले की बहस शुरू हुई और इसका जवाब सीबीआई की तरफ से ये बताया गया कि इस पूरे मामले में कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है। वो चाहते तो चुनाव के वक्त भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लिहाजा केजरीवाल से पूछताछ के लिए उन्हें और समय की जरूरत है, इसलिए उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी पड़ेगी। इसके लिए सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करेगी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को सुनते हुए गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए हैं। उसके बाद जो गिरफ्तारी की औपचारिकता होती है वो कोर्ट रूम के अंदर की जा रही है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद सीबीआई उन्हें अपने कस्टडी में लेगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। यानी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने सीबीआई को गिरफ्तारी के जो आधार से जुड़े दस्तावेज भी रखने को कहा है और जिसके तहत ये तमाम जो औपचारिक प्रक्रिया होती है वो पूरी की जा रही है, जिसके तहत कोर्ट में तमाम जो लोग थे उन्हें बाहर कर दिया गया है और तमाम चीजों को लेकर अभी जो प्रक्रिया है वो कोर्ट रूम में चल रही है।
कोई समय सीमा तय की गई है राजू कस्टडी के लिए, चूंकि सीबीआई की तरफ से औपचारिक कस्टडी मांगी गई है कोर्ट के सामने? और दूसरी बात, क्या इस दौरान आप तिहाड़ जेल में ही तब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल को अगर सीबीआई में कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है तो प्रोडक्शन वारंट लेकर सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अपने कस्टडी में लेगी और उसके बाद तिहाड़ जेल से उन्हें सीबीआई के कस्टडी में जाना होगा, फिर सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। अब देखना होगा कि ये तय सीमा कितना होता है, लेकिन अभी जो गिरफ्तारी की औपचारिकताएं हैं वो सीबीआई की तरफ से पूरी की जा रही है। कोर्ट रूम में तमाम लोग थे, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है और अब वो गिरफ्तारी के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, उसे पूरा किया जा रहा है। यानी कि अगर समय सीमा की बात करें राजू, तो इसके लिए क्या दोबारा कोर्ट के सामने पहुंचना पड़ेगा सीबीआई को, कि आज ही स्पष्ट हो जाएगा ये चीज भी? लेकिन निश्चित तौर पर आज ही स्पष्ट हो जाएगा, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट प्रोडक्शन वारंट लेगी, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल जो ईडी ने गिरफ्तार किया था 3 जुलाई तक वो तिहाड़ जेल में कस्टडी न्यायिक हिरासत में है। अगर न्यायिक हिरासत से सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करती है और अगर उन्हें अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है तो निश्चित तौर पर उन्हें कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट लगाना होगा और उसके बाद सीबीआई केजरीवाल को अपने कस्टडी में लेगी और फिर पूछताछ करेगी। तो ये देखना होगा कि अभी जब गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने के बाद क्या सीबीआई प्रोडक्शन वारंट के लिए लगाती है या फिर सीबीआई की टीम गिरफ्तार करती है और उस पर फिर तिहाड़ जाके उनसे पूछताछ करती है या निश्चित रूप से ये अभी और भी ज्यादा स्पष्टीकरण थोड़े समय में हो जाएगा। राजू आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आगे आपसे जानकारी और लेंगे। वहीं कोर्ट रूम में फिलहाल गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है, ये बड़ी जानकारी राजू ने हमें दी है। और इस प्रक्रिया के बाद और भी ज्यादा चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि सीबीआई अब आगे की प्रक्रिया का पालन किस तरीके से करेगी, क्या कोर्ट के निर्देश के अनुसार तिहाड़ जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी या प्रोडक्शन वारंट लेके कस्टडी ली जाएगी, आखिर किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, तो ये आज थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट में ये स्पष्ट हो चुका है कि सीबीआई अब केजरीवाल को गिरफ्तार कर रही है और कोर्ट की तरफ से इसकी अनुमति मिल चुकी है। कोर्ट रूम में अभी बाकी सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोर्ट में सीबीआई के वकील ने स्पष्ट किया कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी कर रहे हैं, इसके बाद जांच आगे कैसे बढ़ेगी ये एजेंसी तय करेगी, इसके बाद ही कोर्ट की तरफ से कस्टडी भी मांगी जाएगी और जो समय सीमा है, जो निर्धारित समय सीमा है, वो कोर्ट की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा कि कितने समय के लिए सीबीआई को ये कस्टडी गिरफ्तारी के बाद में दी जाएगी। तो अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात और लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले में जो दखल अंदाजी दी गई है, हालांकि पूरा मामला सीबीआई के द्वारा ही शुरू किया गया था अगर पूरे फाइल केस की हम बात करें, लेकिन अभी तक ईडी प्रमुखता से पूछताछ कर रही थी, अब सीबीआई पूछताछ करेगी अरविंद केजरीवाल से। तो ऐसे में देखना होगा कि कितनी लंबी ये जांच चलती है, कितने दिन की हिरासत सीबीआई को मिलती है, कस्टडी मिलती है सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की, और पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन एक बात हो गई है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात अभी खत्म होती हुई, कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। जहां दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है, वहीं दूसरे मामले में अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है सीबीआई की तरफ से, कथित शराब घोटाला मामले में ही ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सीबीआई की तरफ से चूंकि अब ये गिरफ्तारी है, तो पूरी जांच प्रक्रिया दोबारा से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। राजू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू आप जानकारी दे रहे थे कि अब आगे की जो प्रक्रिया है वो आज और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी कि क्या गिरफ्तारी के बाद में कितने दिन की कस्टडी मुख्यमंत्री की मिलती है या नहीं, इसके अलावा क्या दलीलें पेश की गई हैं? लगातार हमने सुना कि केजरीवाल के वकील कहते रहे कि उन्हें समय चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए, यह समय किस लिए, कौन सा जवाब? देखिए निश्चित तौर पर सबसे पहले जो अब की सबसे बड़ी खबर है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तारी के बाद जो अरविंद केजरीवाल के लॉयर की तरफ से ये कहा गया था, उसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि अभी गिरफ्तारी के आधार को तैयार करने को बोला, और कोर्ट ने सीबीआई को ये भी कहा है कि जब गिरफ्तारी का क्या आधार है उसके तमाम डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करें, और सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो उनके लॉयर ने ये वक्त मांगा था, उसके लिए भी कोर्ट ने कहा कि हम आपको भी सुनेंगे। अब अरविंद केजरीवाल की औपचारिक तौर पर सीबीआई ने गिरफ्तारी कर ली है, गिरफ्तारी करने के बाद अब देखना होगा कि क्या जो कस्टडी में लिया जाएगा प्रोडक्शन वारंट के लिए सीबीआई कोर्ट में अपील करेगी और रिमांड मांगेगी कि कितने दिनों की रिमांड दिया जाए,
वो देखना होगा, इसके कुछ देर के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से मंगलवार को पूछताछ की और पूछताछ के बाद कोर्ट में अपनी सारी बातों को रखा कि पूछताछ के बाद उन्हें और वक्त चाहिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए। कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई। खुद अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट में पहुंचे, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील विक्रम चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कहा कि सीबीआई की तरफ से जो अर्जी लगाई गई है, किस आधार पर, किस ग्राउंड पे उनसे पूछताछ की गई, कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया गया, इसका जवाब सीबीआई की तरफ से दिया गया कि उन्होंने कोर्ट को संतुष्ट किया कि इस पूरे मामले में आगे की जांच करनी है, इसलिए कस्टडी में लेकर पूछताछ की ज़रूरत है। और पहले तिहाड़ जेल जाकर 10 सदस्यीय सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल कल गई थी, घंटों पूछताछ करने के बाद इस केस से जुड़े तमाम सवाल जवाब के 50 से ज़्यादा सवाल जवाब थे और इसमें अतिरिक्त पूछताछ की ज़रूरत है, जिसके बाद आज कोर्ट में केजरीवाल के मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी करने के आदेश दिए। औपचारिकता पूर्ण करने के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब प्रोडक्शन वारंट की बारी है कि प्रोडक्शन वारंट के लिए सीबीआई कोर्ट में लगाती है और फिर तिहाड़ जेल के अंदर से ही सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अपने कस्टडी में लेगी। चूँकि ईडी वाले मामले में 3 जुलाई तक अरविंद केजरीवाल सीबीआई न्यायिक हिरासत में है, इसलिए तिहाड़ जेल के से ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब देखना होगा प्रोडक्शन वारंट के लिए क्या उन्हें कितना समय मिलता है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है निश्चित रूप से। और ऐसे में राजू ये मान के चला जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी जमानत अर्जी दायर है उस पर सुनवाई होनी है, उसमें अगर राहत मिल भी जाती है अरविंद केजरीवाल को तो भी अब जेल से बाहर आते हुए नहीं दिखाई देंगे, फिलहाल मुश्किलात कम नहीं हो रही है। देखिए निश्चित तौर पर लगातार हम इस बात का जिक्र करेंगे, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि ईडी वाले मामले में आज जो उनको रेगुलर बेल पर जिसको लोअर कोर्ट ने सुनवाई की थी, जिसके बाद ईडी हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट के बाद अरविंद केजरीवाल खुद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और जमानत के लिए अपनी याचिका लगाई थी, उस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले सीबीआई ने कल अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है और सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी के लिए अर्जी लगाई गई थी, कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी थी, इसलिए सीबीआई को गिरफ्तार करना जरूरी था, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना जरूरी था, इसलिए कोर्ट में अभी उस मामले को लेकर सुनवाई दी। अगर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलती भी है तो निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें कम नहीं होगी, क्योंकि अब वो सीबीआई के कस्टडी में जाएंगे, सीबीआई पूछताछ करेंगे। अब देखना होगा कि सीबीआई कितने दिनों की कस्टडी की मांग करती है और पूछताछ में जो तथ्य सामने आते हैं उसे आगे रखा जाएगा। तो कुल मिला के फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए राहत के लिए कोई खबर दिखती हुई नजर नहीं आ रही। और जेल से बाहर आते हुए भी हाल फिलहाल में नजर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल। और इस बीच एक बड़ा सवाल जो अधर में लटका हुआ है कि क्या ऐसे ही तिहाड़ से दिल्ली सरकार और दिल्ली चलती रहेगी, ये सवाल अभी भी बरकरार। देखिए निश्चित तौर पर यह सवाल लगातार बरकरार है, जिस हालात में दिल्ली फिलहाल चल रही है, सबसे बड़ी समस्या तो ये राजधानी दिल्ली में पानी की लेकर समस्या जो चले, जिससे दिल्लीवासी में त्राहिमाम मचा हुआ है। दिल्ली में कई इलाकों में पानी नहीं आ रहे हैं, जो टैंकर आ रहे हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे हैं, और ऐसे में थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर जगी थी जब ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और जमानत के बाद हाईकोर्ट का रुख किया गया, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब सीबीआई इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। तो निश्चित तौर पर समस्या अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि जो डिसीजन अरविंद केजरीवाल खुले में रख के ले सकते थे वो शायद जेल में रख के तमाम डिसीजन नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी को, जो दिल्ली वासी हैं, जो 2 करोड़ दिल्ली की जनता है, उन्हें इस पूरे मामले को लेकर भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि आगे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या आगे की रणनीति होती है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की, अब प्रोडक्शन वारंट का इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई कितने दिनों के लिए कस्टडी की मांग करती है पूछताछ करने के लिए। तो तमाम चीज़ें थोड़ी देर में और क्लियर होगी। सुप्रीम कोर्ट का भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है फिर, या फिर वहां भी अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी राजू सामने आ रही है। इस बीच की सीबीआई ने सीएम केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट रूम में ही ये गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। राजू आप भी जैसी जानकारी दे रहे थे कि औपचारिक रूप से ये प्रक्रिया अब देखी जा रही है कि
कोर्ट रूम में ही सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये परमिशन भी कोर्ट की तरफ से दी गई है। ऐसे में राजू अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये सिर्फ दलीलें आज पेश की गई कोर्ट रूम में, या इसके अलावा सीएम से पूछताछ भी कोर्ट रूम के अंदर ही की गई है? देखिए, पूछताछ ऑलरेडी सीबीआई जो एक राउंड का पूछताछ होता है वो तिहाड़ जेल जाकर ही पूछताछ कर चुकी है। चूंकि तिहाड़ में तमाम बंदिशें होती हैं, उसके बावजूद कुछ घंटों तक पूछताछ हुई, कुछ सवाल जवाब किए। अब हो सकता है कुछ ऐसे एविडेंस होंगे जिसके लिए कस्टडी की ज़रूरत होगी, कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की ज़रूरत हो, इसलिए सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई। और ये भी इस बात का जिक्र किया गया अपनी दलीलों के दौरान कि उन्हें और पूछताछ करने के लिए, इसलिए अरविंद केजरीवाल की कस्टडी काफ़ी ज़रूरी होती है। और इसलिए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की कस्टडी, एक तरह से आप कह दीजिए कि गिरफ्तारी के आदेश दिए, और जो गिरफ्तारी की जो कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब हो सकता है कि सीबीआई अपने कस्टडी में लेकर अरविंद केजरीवाल से तमाम सवाल जवाब का पूछताछ करेगी। हालांकि अब कस्टडी कितने दिनों का होगा, कुछ दिन के अंदर ये भी साफ हो पाएगा, और उसके बाद आगे की कानूनी जो कार्रवाई होती है इस पूरे मामले में होगी। हो सकता है कि तो कैसे ऐसे गवाह हैं उनको आमने सामने बैठा कर पूछताछ होगी, कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले होंगे जिसे कोलाबरेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल का सीबीआई के कस्टडी में होना जरूरी है। इन्हीं आधारों के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की जा रही है उसके तमाम आधार, उसके डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर पेश किया जाए, और उसे पेश के देखना होगा कि सीबीआई वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट के अंदर पेश करती है, और उसके बाद इस पूरे मामले में आगे की कानूनी जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। बिल्कुल राजू, इसके लिए कब तक का समय दिया गया है सारे डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज पेश करने के लिए सीबीआई को कोर्ट की तरफ से? और दूसरी तरफ राजू, हम बात करें कि फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं गिरफ्तारी की, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या अब कानूनी विकल्प अरविंद केजरीवाल के पास इस गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, इस गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल अभी कोई कानूनी विकल्प नहीं है, क्योंकि अभी सीबीआई को पूछताछ करनी है। पूछताछ के बाद कितने दिनों के लिए सीबीआई रिमांड मांगती है ये देखना होगा। उस रिमांड के बाद ही, जब पूछताछ पूरी होगी उसके बाद ही सीबीआई वाले मामले में भी अरविंद केजरीवाल के और उनके वकील के तरफ से अर्जी लगाई जाएगी, और उस चीज़ का वो विरोध करेंगे कि सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया है उसका आधार क्या है, उसके आगे ही इस पूरे मामले में की जाएगी। फिलहाल कानूनी विकल्प नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सुप्रीम ईडी वाले मामले में ये देखना होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है क्या उसमें राहत मिलती है नहीं, वो ईडी वाले मामले में देखना होगा। लेकिन जो सीबीआई मामले में जो गिरफ्तारी हुई है इसमें फिलहाल कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। जब तक उनके रिमांड खत्म नहीं होता, जब तक वो दोबारा न्यायिक हिरासत में नहीं जाते, तब तक कोई फिलहाल उनके लिए राहत की खबर नज़र नहीं आती। कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान सुनीता केजरीवाल मौजूद थी राजू, क्या अभी भी अंदर ही मौजूद है या उन्हें भी बाहर किया गया है? देखिए, कोर्ट में वकील और अरविंद केजरीवाल को छोड़कर तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, और जितने भी कुछ आम आदमी पार्टी के सहयोगी नेता भी थे और सुनीता केजरीवाल थे, तमाम अलग अलग लोग थे, मीडिया के लोग थे, सभी को कोर्ट से बाहर किया गया। सिर्फ कोर्ट के रूम के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनके चूँकि लॉयर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे वो, और सीबीआई की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद तमाम कानूनी सीबीआई के अधिकारी थे। तमाम कानूनी कार्रवाई करने के बाद ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि अब आगे प्रोडक्शन वारंट कितने दिनों के लिए मांगा जाता है, फिर प्रोडक्शन वारंट के लिए सीबीआई को तिहार जेल जाना होगा, और वहां के बाद कितने दिनों का रिमांड मिलता है वो काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि इस पूरे मामले में अब आगे की क्या कार्रवाई होती है और क्या क्या दलीलें, क्या क्या आधार सीबीआई की तरफ से कोर्ट में रखा जाता है। बिल्कुल राजू, यानी कि यहां से डायरेक्ट सीबीआई अपनी कस्टडी में नहीं लेगी, तिहाड़ जेल ही वापस ले जाया जाएगा मुख्यमंत्री को? निश्चित तौर पर, क्योंकि 3 जुलाई तक वो न्यायिक हिरासत में है ईडी वाले मामले में, तो चूंकि आज इस पूरे मामले की सुनवाई सीबीआई वाले मैटर पे था इसलिए उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा। अब वो यहाँ के बाद सीधे तौर पर तिहाड़ जेल जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से
सीबीआई प्रोडक्शन वारंट के जरिए अरविंद केजरीवाल को अपने कस्टडी में लेंगे। राजेश, में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में जो सीबीआई को प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से कस्टडी मिलेगी वो 3 जुलाई के बाद की मिलेगी या फिर आज ही से वो कस्टडी मिल जाएगी? देखिए, चूंकि गिरफ्तारी 3 जुलाई न्यायिक हिरासत में है और अगली गिरफ्तारी होती है, इसलिए पहले तो इस पूरे मामले में पूछताछ की गई, अब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो सीबीआई उन्हें तिहाड़ जेल से, गिरफ्तारी तो कोर्ट रूम के अंदर ही किया गया है, अब वो तिहाड़ जेल जाएंगे, वहां से उनका प्रोडक्शन वारंट लिया जाएगा, क्योंकि एक मामले में चूंकि ऑलरेडी वो गिरफ्तार हैं 3 जुलाई तक है, तो अगर ये सीबीआई के कोर्ट की तरफ से आदेश मिलता है, प्रोडक्शन वारंट कितने दिनों का मिलता है, तो सीबीआई आज या कल उन्हें तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार अपने कस्टडी में ले सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में क्या ऑर्डर दिया जाता है कि कब सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अपने कस्टडी में ले सकती है। बिल्कुल, और उसी के बाद भी स्पष्ट हो सकेगा कि सीबीआई की कस्टडी में किस तरीके से आगे सीबीआई पूछताछ करेगी। फिलहाल कोई अपडेट प्रोडक्शन वारंट को लेके राजू? देखिए, फिलहाल इसे लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि तमाम मीडिया कर्मी, तमाम जो लोग थे उन्हें बाहर किया गया है, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या अरविंद केजरीवाल के लॉयर बाहर निकलते हैं, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो गया कि सीबीआई की तरफ से कितनों दिनों का प्रोडक्शन वारंट मांगा गया है, प्रोडक्शन वारंट लिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा कि जो कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर जो गिरफ्तार किया गया है वो पूरी होने के बाद ये तमाम चीज़ें सामने आ पाएगी। अभी कोर्ट रूम के बाहर सबको कर दिया गया है, जैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सीबीआई की तरफ से जो लॉयर हैं वो बाहर आते हैं तो ये चीज़ें तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल राजू आपका, आप नज़र बनाए रखिए तमाम जानकारी के लिए, आपका शुक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है कि पूछताछ के बाद सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पूछताछ के बाद सीबीआई ने कोर्ट में पेश करके कोर्ट रूम में ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। अब कस्टडी की मांग की जाएगी। फिलहाल कोर्ट रूम में वकील और सीबीआई की टीम साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल मौजूद है। राजधानी कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में ये पेशी हुई थी और आज सुबह करीब 10 बजे से ये सुनवाई जा रही थी। यहाँ पे सीबीआई द्वारा टीम द्वारा अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया था, कस्टडी की मांग की गई थी, साथ ही साथ ये स्पष्ट किया गया था कि सीबीआई इस जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रही है।